खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस पर छात्र नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज और मारपीट करने का आरोप लगा है। बता दें कि यह मामला जन्माष्टमी के दिन का है, जहां हल्दी चौड़ के केशव प्लाजा के बाहर छात्र संघ के पदाधिकारी खड़े थे। इसी बीच हल्दी चौड़ चौकी इंचार्ज और पुलिस सिपाहियों ने छात्र नेताओं पर लाठीचार्ज कर दी। इस घटना के बाद छात्रों ने मौके पर ही प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और घटना पर खेद जताते हुए उन्हें शांत करवाया। हालांकि वीडियो में चौकी इंचार्ज खुद अपनी गलती मानते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद मंगलवार को पीड़ित छात्र नेता ने ग्राम प्रधान संगठन के साथ एसपी कार्यालय जाकर वीडियो दिखाते हुए एसपी को अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच लालकुआ के सीईओ को दे दी। जानकारी के अनुसार प्रधान संगठन और छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक मारपीट करने वाले सभी पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा था, हम गोधाम जा रहे थे परमा, तो मैं अपने साथी महेश बिष्टी से वार्तालाप कर रहा था कि हमें गोधाम जाना चाहिए और कहते हैं जन्माष्टमी के महोत्सव में इंजॉय करने चाहिए। तो उसी समय हम आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो ऐसा ही गौरव जोशी सर आते हैं और उसके तुरंत बाद 5 से 10 सेकंड के बीच में लाठीचार्ज कर देते हैं। उसके बाद हम SI साहब से पूछते हैं कि सर आपने किस बेस पे हमें मारा और क्यों मारा, तो उनका क्या कहते हैं, उनका कहना यह होता है कि तुम यहाँ पे खड़े हो। हमने कहा सर खड़े हुए हमारी राइट है, हम 100 मीटर की दायरे पे मेरा घर है, मैं यहाँ पे खड़े नहीं हो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि हम आपकी शिकायत CM पोर्टल DM पोर्टल में करेंगे, तो जा कर ले, उन्होंने ये शब्द बोले और माँ बहन की गाली गलौज करी। और जिसके बाद हमने जैसे अपने कैमरे निकाले, कैमरे निकालने के बाद कहने लगे कि अरे तुम तो मेरे छोटे भाई हो, आपको तो हमने LBS कॉलेज में कॉपरेट किया है, और जबकि यह कभी हुआ नहीं कॉपरेट। मैं अपने साथी के साथ केशव प्लाजा के सामने रोड के किनारे पे हम 3-4 लोग हम खड़े थे, तो हमारी बातें चल रही थी, तो अचानक से पुलिस वाले जो हमारे गौरव जोशी जी है हल्दीचौड़ चौकी के चौकी इंचार्ज, वो अपनी पर्सनल कार में 3-4 लोग आए, तो जैसे वो आधे 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सीधे गाली गलौज करी और इन्होंने लाठी मारना शुरू किया। पहले वर्तमान शासन सचिव खजांचल आर्या को लाठी मारी, उसके बाद उन्होंने मुझे लाठी मारी और गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से भागो तुम। मैंने कहा सर एक मिनट रुके, आपने हमें क्यों मारा, क्या हम कोई क्रिमिनल हैं, क्या हम कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं या हम कोई इसमें की हैं, आप बताओ ना, आपने कौन से राइट से हमें मारा। हम चाह रहे कि उनका जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए, बिना जब तक उनका ट्रांसफर नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अपनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। देखिए कल रात की बात है और हमारे गोधाम का मेला लगा रहता है और हर जन्माष्टमी में होता है, तो उसमें हमारे बच्चे घड़ी के आसपास में खड़े हुए थे, तो इन्होंने जो बताया कि इनके साथ लाठियां मारी गई, जिसका ये रिकॉर्डिंग भी हमें दिखा रहे हैं, तो वो बिल्कुल प्रशासन ने गलत काम किया है और उस चीज़ को हमारे क्षेत्र के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल जो माहौल बहुत ख़राब हुआ था हमारे यहाँ, उसके साथ साथ चौकी का भी ठीक रवैया नहीं है। हाँ, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें आरोप है कि हल्दीचौड़ चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। वो चौकी की कार्य प्रणाली से छूट थे, मेरे पास शिकायत आई है, इसकी जांच मैंने CO लालकुआ को दे दी है और इसमें जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।